हाई एवरी वन दिस इज भावना एंड वेलकम टू माई चैनल जैसा कि आपको पता ही है कि इस साड़ी का हमने तो पट्टा बना लिया था इस साड़ी में से अब हम बाकी के बचे हुए कपड़े में से कुर्ती और अपना पैंट निकालेंगे इसमें सिल्क की साड़ी है तो पैंट बहुत अच्छी लगेगी एंकल लेंथ पैंट बनाएंगे हम इसमें uh, तो अभी स्टार्ट करते हैं हम पहले पैंट बनाने से ही तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए लाइक like कर दीजिए वीडियो को और चलिए स्टार्ट करते हैं पैंट बनाने के लिए सबसे पहले हम अपनी साड़ी को डबल कर लेंगे इस तरह से सबसे सब से पहले हम इसको डबल फोल्ड करेंगे अच्छी तरह से देखिए डबल फोल्ड करने के बाद इस तरह से हमने डबल फोल्ड कर दिया है इसमें ऊपर के साइड भी ये देखिए इस तरह से ये डिजाइन है और नीचे की साइड भी ये डिजाइन है तो इस डिजाइन को हम ऊपर की साइड से उतार देंगे और हम नीचे की साइड से लगा के रखेंगे अब अपनी कोई भी फिटिंग की पैंट लेंगे हम ये मेरी जेलर पैंट बोलती हूं मैं इसको जेलर जैसी पैंट है तो मैं अब ये वाली लूंगी और इसको इस तरह से रखूंगी पहले क्योंकि साड़ी का कपड़ा थोड़ा सा खुसने वाला होता है खिंच जाएगा ये छिंच जाएगा तो इसीलिए हमने इसको थोड़ा सा ढीला ही बनाएंगे पैंट को भी इस तरह से हम रखेंगे इसको ये देखिए अगर आप नीचे बॉटम में डिजाइन देना चाहते हैं इसके पैंट के तो आप इसका बॉर्डर आप ऐसे कैसे ले सकते हैं और ये देखिए अगर आप अलग से उतार के इसको लगाना चाहते हैं तो आप अलग से भी लगा सकते हैं अब ये मैंने इस तरह से इसको लगा लिया है और मैं ढीली ढीली ही पैंट बनाऊंगी क्योंकि इसमें ये कपड़ा खींचने का डर रहेगा तो इसलिए हम ढीली ही बनाएंगे हम मार्किंग्स कर लेंगे मैं एक एक इंच फालतू ले रही हूं इससे और फिर उसके बाद मैं इसको कट करूंगी एक इंच फालतू लेने का यही मतलब होता है कि ये थोड़ा सा ढीला रहेगा और सिलाई हक भी तो चाहिए होता है तो इसीलिए तो ये हमारी मार्किंग्स हो गई हैं इसमें बिल्कुल इसी तरह से मैं कट कर लूंगी अब अब इसको कट करके दिखाती आपको ये कैसा बना है फ्रेंड्स hey ये कटिंग होके कुछ इस तरह से लगेगा ये एक के ऊपर एक था क्योंकि हमने डबल फोर टाइम्स फोल्ड करके इसको कट कटिंग की थी तो ये कटिंग करने के बाद कुछ इस तरह से लग रहा है मैंने पूरा का पूरा जितना भी था साड़ी का कपड़ा सारा ही ले लिया था ना नीचे से हटाया और ना ही वो ऊपर से हटाया है ये देखिए तो ऊपर और नीचे से हटा हटाया नहीं है क्योंकि ऊपर से तो वो बेल्ट की तरह मुड़ जाएगा उसके अंदर इलास्टिक डालूंगी मैं और नीचे ये थोड़ा सा इसको टाइट कर लूंगी मैं यहाँ से तो ये टाइट टाइट बहुत अच्छा लगेगा एक डिज़ाइन सा बन जाएगा हमारे जैसे पोंचों पर पोंचो होता है पोंचा पैर का तो उस पर एक डिजाइन सा बन जाएगा अगर आप इसको रिमूव भी करना चाहते हैं तो रिमूव कर सकते हैं आपकी ये टोटली मर्जी है कि आप इसको रिमूव करते हैं या नहीं करते तो इस तरह से अब हम इसको स्टिच कर लेंगे इसको उल्टी साइड दोनों साइड पकड़ के और यहां से स्टिच कर लेंगे और फिर इसको यहां से स्टिच करके और फिर यहां से इसके यहां पर सिलाई मारते हुए यहां तक ले आएंगे बस इतना इजी होता है पैंट बनाना सिंपल होता है बहुत ज्यादा अगर मैं कर सकती हूं तो फिर मैं यही बोल बात बोलूंगी कि आप भी कर सकते हैं तो जरूर ट्राई कीजिएगा इस तरह से सिल्क की साड़ी की पैंट भी बन सकती है जो कि हम इसको अब मैं ना पिंक कलर की किसी ब्रोकेड कुर्ती के साथ पहन सकती हूँ या कोई भी रेड कलर की ब्रोकेड कुर्ती के साथ पहन सकती हूँ क्योंकि ये लाइट ब्लू कलर है तो सबके साथ बहुत अच्छा लगेगा बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगा येलो कलर के साथ भी बहुत अच्छा लगेगा ये तो चलिए अब मैं पैंट बना के सिल्क के दिखाती हूँ आपको ये कैसी बनी है देखिए मैंने ये बना लिया है पूरा पैंट स्टिच हो गई है मेरी इस तरह से ये दिख रहा है और अभी अब हम, हम इसके ऊपर जो ये दिख रहा है ये बेल्ट है बेल्ट एरिया में अगर आपका ये आसन छोटा लग रहा है आपको तो आप इसके ऊपर एक बेल्ट ऐड भी कर सकते हो एक लेयर ऐड करके और फिर आप इसके ऊपर मतलब इसके अंदर इलास्टिक डाल सकते हो अदरवाइज आपकी मर्जी है जैसे भी आपको अगर ठीक लग रहा है ये तो आप इसके इसको इस तरह से भी कर सकते हो ये देखिए पैंट बन गई है और इसके साथ ही मैंने एक और इस तरह का पतला सा सिल्क का कपड़ा लिया था उसकी पैंट बनाई है तो मैं मेरा ये पैंट बनाने का इस तरह की पैंट बनाने का ये मकसद था कि अगर जैसे आपको इसके अंदर इंसर्ट करके पहनना है मतलब कि आपका जो ओरिजिनल कपड़ा है इसके अंदर आप इसको इंसर्ट कीजिए तो डबल हो जाएगा अस्तर की तरह ये काम करेगी पैंट और इसके साथ ये इसकी मजबूती बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा ये पहनने में तो इसी तरह का सिल्क का कपड़ा है अगर आप चाहें तो सिर्फ ये सिल्क का कपड़े वाली पैंट ही पहन सकते हैं और ऊपर इस कपड़े का आप पहन सकते हैं कुर्ती तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है तो आपका जो मन करता है आप वो कर सकते हैं दोनों में से तो मैंने इसके अंदर अगर मैं डालना चाहूँगी तो मैं इसके अंदर भी डाल सकती हूँ इस सिल्क वाले कपड़े को इसके अंदर इंसर्ट करके और ये बन जाएगी फिर हमारी पैंट तो कुछ इस तरह से दिख रही हैं दोनों पैंट्स जो मैंने बनाई हैं अब हम इसको आगे प्रोसेस करते हैं आगे दिखाती हूं मैं क्या करना अब इसको ये देखिए अब हमारी ये पैंट बन चुकी है आ, इस तरह से ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल पैंट बनी है और बहुत ही ज़्यादा शाइन कर रही है आप जैसे बनाने में थोड़ा सा ये आ, इसमें रिंकल्स आ गए हैं तो आप इसको आयरन करके आप पहन सकते हैं आराम से और आप चाहें तो अगर आपके पास पतली सी लेस है तो आप यहाँ पर लेस लगा सकते हैं इसके पौचों पर तो बहुत अच्छा लगेगा और ये देखिए मैंने इलास्टिक डाला है आप चाहे तो ड्रॉस्टरिंग भी डाल सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल टू वेयर है ये था आज का वीडियो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को और इस साड़ी का बचे हुए पार्ट का अब हम कैसे कुर्ती बनाएंगे तो वो भी जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार कीजिए मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में तब तक के लिए बाय टेक केयर